नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। आज देश भर में रही महाशिवरात्रि की धूम। इसी क्रम में गुना शहर के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। साथ ही यहां शिव अभिषेक के कार्यक्रम भी जगह जगह पर किए गए, जो कि देर रात तक भी चलेंगे। आइए नजर डालते हैं आज शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में हुई धार्मिक गतिविधियों पर। वहीं आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में शिव बारात का आयोजन भी किया गया। यह शिव बारात हनुमान कॉलोनी स्थित शिव दुर्गा मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमान चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस शिव बारात में बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने भाग लिया एवं डीजे की धुन पर श्रद्धालु यहाँ थिरकते हुए भी नजर आए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गाजर स्थित शिव मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आनंद लेने के लिए जिले भर से श्रद्धालु सुबह से ही गाजर स्थित शिव मंदिर पर पहुंच रहे थे। आइए नजर डालते हैं आज इस भव्य मेले की कुछ झलकियों पर। और अगरबत्ती दिए बाहर लगाओ। अमन एवं शांति का पैगाम लेकर साइकिल से निकले 18,000 किलोमीटर लंबी हज यात्रा पर उक्त हज यात्री आज अपने पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए गुना पहुंचे।
गुना पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय द्वारा विभिन्न जगहों पर इनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही गुना शहर काजी नूरुल यूसुफजई ने उनके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह दोनों हज यात्री मलेशिया निवासी 65 वर्षीय नूरुद्दीन एवं 30 वर्षीय इस्मादी हैं, जो विगत 20 नवंबर 2017 को मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से साइकिल पर हज यात्रा के लिए निकले थे। साथ ही यह आज लगभग 5,740 किलोमीटर का सफर तय करके गुना पहुंचे हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों से होते हुए अगस्त माह में मक्का मदीना पहुंचकर अपने हज के फरीजे को अदा करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि लगभग 18 देशों में वह शांति एवं सद्भावना का संदेश देते हुए यह दोनों हज यात्री अपनी हज यात्रा को आगामी ईद उल जुहा यानी कि बकरीद पर संपन्न करेंगे। साथ ही इनके स्वागत सत्कार में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने जगह जगह माल्यार्पण कर एवं पुष्प वर्षा कर इनकी हौसला अफजाई की व इनका स्वागत किया। इधर से जाओ, इस तरफ से जाओ, भाई को दो माला दे दे, एक मुझे पकड़ा दे, पहले एक पहनाओ Malaysia. We are cycling to Arab Saudi, roughly 18,000 kilometers. But we go slowly, slowly from one place to one place, about 50-100 kilometers one day. How many kilometers? How many countries you want to cross in this journey? Roughly 18 countries. You may not feeling tired after the cycling? Tired, very tired. Any message you are bearing with you? Yeah, we are carrying peace. Yeah, we have to live in peaceful manner. You know, our people must live in peaceful. Okay? No matter how we go, for peaceful. How could you feeling after the meet the people of Guna? They are very good, very cooperative. Hospitality. Thank you very much to them. दो लोग हैं जो मलेशिया से जिन्होंने अपनी यात्रा कुआलालंपुर से शुरू की है। इनमें से एक का नाम नूरुद्दीन साहब है जिनकी उम्र 65 साल है और दूसरे साथी है उनका नाम है असमादी जिनकी उम्र 30 साल है। एक आदमी रिटायर्ड है कंस्ट्रक्शन कंपनी से, दूसरे आदमी सी फूड्स का बिजनेस करते हैं। इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति के लिए, पीस के लिए और पूरी दुनिया को इस पैगाम को देने के लिए ये 30 हज यात्रा शुरू करी है जो कि साइकिलों से चल रहे हैं और अभी तक इनकी यात्रा 5,707 किलोमीटर आरोन तक हुई थी, गुना तक तकरीबन 35 किलोमीटर और बढ़ गई है। ये तकरीबन मलेशिया से कब चले थे? और ये चले थे 20 नवंबर 2017 को मलेशिया से चले थे और तकरीबन अगस्त तक ये पहुंचेंगे सऊदी अरब के जद्दा मुल्क में। जैसा कि इन्होंने बताया कि करीब काफ़ी मुल्कों से ये क्रॉस होते हुए जाएंगे, तो इनके वीज़े वगैरह की क्या, किस तरीके से व्यवस्था की गई? इनको इंडिया का वीज़ा मिल चुका है, पाकिस्तान का वीज़ा मिल चुका है और इसके अलावा जब ये आगे अपनी यात्रा थोड़ी आगे दिल्ली तक पहुँचाएँगे तो ये तकरीबन इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन और टर्की और सऊदी अरब पहुँचेंगे वहाँ से, तो ये बीच बीच में मुल्कों के वीज़े अप्लाई करते रहेंगे और इनको मिलते रहेंगे। इसी क्रम में आरोन नगर में भी इन हज यात्रियों का मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। गौरतलब है कि इन हज यात्रियों ने विगत रात आरोन में ही रात्रि विश्राम किया था, जिसके बाद आज सुबह वे वहां से गुना के लिए रवाना हुए। साथ ही जैसे ही वे गुना के लिए निकले तो जगह जगह पर मुस्लिम समुदाय द्वारा इनका स्वागत सत्कार किया गया। हाँ बोलो, अच्छा
अंदर बैठ जाएंगे मलेशिया से दो साहब आए हैं जो साइकिल से मक्का मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए। तो इनका जो है कितनी दूरी पे है, कितने किलोमीटर है? 18,000 किलोमीटर साइकिल से पहुँचेंगे और हज हज करेंगे वहाँ पर जाकर। उनका खाना पानी कैसा रहेगा? खाना पानी कुछ नहीं है, उनका खुद का साइकिल पे है व्यवस्था और साइकिल से ही मतलब जो है पूरी व्यवस्था करी है। साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल पे ही खाना बिस्तर वगैरह सब उनका साइकिल पे ही है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आखिरकार गुना में भी रिलीज हो ही गई पद्मावत। एक लंबे समय से देशभर में चर्चाओं का विषय बनी रही फिल्म पद्मावत का आज गुना में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। आज स्थानीय निजी मल्टीप्लेक्स में पद्मावत फिल्म को पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच रिलीज किया गया। इस मौके पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल को भी यहां तैनात किया गया था। गौरतलब है कि दो दिन पहले लगभग सभी जगहों पर पद्मावत रिलीज हो चुकी थी, साथ ही कहीं से भी किसी प्रकार की किसी भी अप्रिय घटना की सूचना न मिलने पर आज गुना में भी इसे रिलीज कर ही दिया गया। व्यवस्था रखी और फिर कुल मिला के ये कि पब्लिक की चाव के ऊपर पिक्चर का प्रदर्शन अच्छा रहा। पब्लिक का रुझान है, धीरे धीरे पिक्चर आगे बढ़ जाएगी। अभी तो खैर कम है, रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि पब्लिक की भावनाओं पर लग रहा था कहीं कोई गुदम में हो जाए ये कम आएगी। आगे दो एक दिन में फिर पूरी पिक्चर पूरी तरह चमका दिया। पहले शो की अपेक्षा दूसरा शो अभी हाउसफुल की ओर है, शाम तक के शो और हाउसफुल हो सकते। विगत 21 जनवरी को जिला चिकित्सालय में आयोजित किए गए शिविर में चयनित बच्चों को आज इलाज के लिए आदेश दिए गए। इसी तारतम्य में 17 बच्चों को विधायक पन्नालाल शाके एवं जिला कलेक्टर राजेश जैन ने जनसुनवाई सभागृह में आदेश पत्र वितरित किए। इसमें कुछ बच्चे जिनका हृदय का ऑपरेशन होना है, वहीं कुछ का आंख एवं कान का ऑपरेशन भी होना है। इसी क्रम में यहां विधिवत तौर पर आदेश दिए गए जिससे इन बच्चों के जल्द से जल्द ऑपरेशन हो सके। वहीं इसी कड़ी में आज विधायक मन्नालाल शाह के CMHO रामवीर सिंह रघुवंशी पर खासे नाराज भी नजर आए। विधायक की शिकायत थी कि मरीजों को खुद यहां आदेश लेने आना चाहिए था, उनके अटेंडरों को नहीं। इसी बात पर उन्होंने CMHO रामवीर सिंह रघुवंशी को समझाइश देते हुए कहा कि आगे से इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए और जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं उनके वो लेके आधार कार्ड वगैरह वैसे वैसे केस बनते जा रहे हैं। अभी बाई द वे कल हमने 16 केसेज हमने तैयार किए थे तो मैंने विधायक साहब से निवेदन किया हमने और समय दिया दिलवाइए। इधर आना आगे आके बिल्कुल जी छोटे बच्चों की खान बेहतर है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोगों ने कैंप
स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था 21 तारीख को। तो उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे मेडिकल कॉलेज में जिनके स्टीमेंट बनाए थे उन बच्चों का सेंसन करके आज हम लोग उनको कलेक्टर साहब से आदेश दिलवा रहे हैं यहाँ पर। इसमें हमने 17 बच्चों को बुलाया है जिसमें 4 बच्चे हृदय रोग से ग्रस्त हैं और 13 बच्चे जिनके कान के ऑपरेशन होते हैं कान बहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आँख के ऑपरेशन होते हैं। तो इन बच्चों को आज कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय के द्वारा आदेश दिए जाएंगे और इन बच्चों के जल्दी ऑपरेशन हो सकेंगे। इसमें इन लोगों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, सारा शुल्क राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाएगा। राघोगढ़ जनपद अध्यक्ष दापूबाई भील आज जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी गुहार लेकर पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघोगढ़ द्वारा उन्हें सामान्य सभा व सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है। वह इस संबंध में वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भी लिख चुकी हैं लेकिन अभी तक उन्हें इस बैठक के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा इनका अपमान करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं अपमान करने के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की गुहार भी लगाई है। अरे भैया पिछले बार बोला था बैठक क्यों नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब 26 जनवरी हो तो आप कहते 25 को एक दिन पहले आगे कर लो, उसमें कौन दिक्कत है क्या? मैंने भी उस दिन बोला था लखा मैं जरा फूल लगाऊ, आप चाहे थी आप तारीख बताओ मेरे को बताइए। अरे भाई मेरे पिछले बार भी आपसे पूछा था कि आप तारीख बताओ किस तारीख को चाहे थी, आप बताइए कौन सी तारीख को, उसी तारीख को नहीं बताइए। आप जिस तारीख को चाहें वो तारीख क्या बैठक नहीं हो पा रही है, मैडम को फोन से वायना करके हमसे बोले भी नहीं कि हम बैठक लिख दे रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बैठक में तो तारीख आप तारीख दे दें, हम तारीख टाली आई हूँ। कितने बार टाली? दो बार। निराकरण के हम बोल दिए हमने कि बैठक हो जाए। कलेक्टर साहब को किस बारे में क्या बोला? क्या कलेक्टर साहब ने यह बोली कि हम तुम तारीख बोल दो हम करवा देंगे। क्या तारीख दी है? आमने सामने की भिड़ंत में 2 ट्रक आपस में टकरा गए जिसमें दोनों ही के ड्राइवरों को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे पर काम चलने के चलते एक ट्रक जो कि इंदौर की ओर से गुना की ओर आ रहा था व गुना की ओर से जो ट्रक इंदौर की ओर जा रहा था वे दोनों आपस में टकरा गए। ये दोनों ट्रक एक ही साइड पर आ रहे थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों ही ट्रकों के सामने के हिस्से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। वहीं दोनों ट्रक चालकों के पैरों में फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। दोनों आमने सामने। ये आ रही है गुना की ओर से। हाँ। और इधर से रोम साइड में आ रही है गाड़ी। इधर वाले ने इधर से चली आ रही है अपनी साइड में आ रही है, इधर वाला भी इधर ही सामने से टकराई है। आमने सामने टकराई है। आमने सामने। तो इसमें क्या था? कहाँ? ये बॉम्बे जा रही थी। हाँ। ये मतलब चावल भरा था ड्राइवर के, दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। अच्छा। और इस ड्राइवर के भी दोनों पैर फ्रैक्चर हैं। जिला शिक्षा विभाग गुना के तत्वावधान में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे जिनके निर्देशन में यहां मिडिल स्कूल संचालकों को बच्चों के प्रवेश संबंधी कई महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। क्लास में जाना चाहिए नहीं जाएगा उसको दक्ष कराइए, भले ही 1 साल लग जाए मेरी नजर में, 2 साल 3 साल भले ही तीसरी क्लास में पहुंच जाए लेकिन कक्षा 1 का
अब तो खैर खत्म हो जाएगा, पास हो गया, केंद्रीय अध्यादेश लागू हो जाएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, न्यू आने वाली। ऐसा मैं सर इसलिए कह रहा हूं कि अपना बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा, इतने जितने लोग बैठे इस कैंपस में सब सरकारी में पढ़े मेरे संग। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से भी एक मीटिंग ली है, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में प्रवेश फार्म भरने के लिए उन्हें बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, मार्गदर्शित करना है, इस संबंध में अपनी पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मॉडल स्कूल और प्रवेश मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र फार्म भर सकें। डकैती की योजना बना रहे पांच बदमाशों को धरनावदा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान जागर चौकी पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। इन बदमाशों की संख्या 10 से 12 बताई गई थी। वहीं जागर चौकी प्रभारी संतोष भार्गव एवं धरनावदा थाना प्रभारी नीरज विरथरे ने एक साथ इन बदमाशों पर दबिश डाली, जिसके बाद पांच बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिनके पास से एक 12 बोर का अवैध कट्टा, जिंदा कारतूस, कई धारदार हथियार सहित चार मोटरसाइकिल एवं कुल्हाड़ी, रस्सी, कटर, रापी आदि जब्त किए गए। वहीं कुछ बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में भी कामयाब हो गए, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना आज निकली हुई रात्रि की है। विश्वसनीय मुखपुर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश लोग कोई घटना घटित करने के उस फ्राक में गड़ा घाटी मंदिर के पास बैठे हुए, जिस पर मेरे द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय को सूचित किया गया। तो दोनों दो टीम बनाकर हम लोगों ने घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ा, जिनके पास से काफ़ी हथियार वगैरह और मोटरसाइकिल मिली है, और करीब इसमें पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। करीब 8 या 9 लोग रात का फायदा उठाकर भाग गए। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।